आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम बनाएंगे मेथी पनीर के भरवा पराठे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। इसमें क्या सामान यूज होता है वो हम बताते हैं आपको। ये 100 ग्राम मेथी ली है, इसको साफ करके हमने वॉश कर लिया और थोड़ी फरहरी कर ली, सुखा ली है मतलब। और ये 50 ग्राम के करीब रह गई है। और 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 50 ग्राम पनीर, 1 हरी मिर्च, 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 कटोरी आटा और आटा गूंदने के लिए पानी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंदते हैं। आटे में हम 1 चम्मच ऑयल डालते हैं जिससे हमारे पराठे सॉफ्ट बने। थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं। अब पानी डालकर हम आटे को गूंद लेते हैं। आटे में ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि आटा पतला हो जाएगा। फिर हमें इतना पतला चाहिए आटा, ऐसा चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। हम जरा सा देसी घी लेते हैं और इस आटे में लगा के अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं। हमने धीमी गैस पे पैन रख दिया है। अब ये जो देसी घी आता है वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। देसी घी गर्म होने के बाद फिर हम इसके अंदर मेथी डालेंगे। अब हमारा देसी घी गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ये मेथी ऐड करके इसको हल्का सा भुनेंगे। हम गैस अपनी धीमी ही रखें। ये मेथी जो भुने आप तो देसी घी में ही भुने, ऑयल में ना भुने। करीबन 2 मिनट हो गए हैं, हमारी मेथी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करते हैं। ये नमक, ये गरम मसाला, ये लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और हरी मिर्च, इन सबको डालकर भी हम इसको मिला लेते हैं। हमारे मसाले मिल चुके हैं। अब इसमें हम पनीर को कस देते हैं। ये इस तरह से हमको पनीर कसना है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इनमें कड़वाहटपन भी नहीं आता है। मेथी तो वैसे भी फायदेमंद होती है, तो इसलिए इस तरह से आप कभी भी बनाएंगे पराठे तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। हमने पनीर कर दिया है, अब इसको भी हम इसमें मेथी में मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने में आप कंजूसी ना करें क्योंकि मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा पनीर मिल चुका है और हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। थोड़े 2 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करते हैं। अब हमारे आटे को 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम जरा सा हाथ में ऑयल लेंगे और इस आटे को हम दोबारा से सही कर लेंगे। तेल लगा के हमने आटा इसलिए रखा है जिससे हमारा आटा सूखे ना। हमने मीडियम गैस पर अपना तवा रख दिया है। अब हम शुरू करते हैं बनाना। हम थोड़ा सा धो लेते हैं। ये हम इस तरह से गोल कर लेंगे और इसको आटे में लपेट कर हम 3-4 इंच की प्याज में बेल लेंगे इसको। अब इसके अंदर हम ये अपना मेथी और पनीर का मिश्रण भर देते हैं। ये हमने मिश्रण भर दिया और इस तरह से आप उठाए, इस तरह से चार तरफ से पकड़ के इसको बंद कर दें। इस तरह से बंद कर दें और इस तरह से हाथी उंगलियों से दबा के आटे में लपेट लें फिर दोबारा, और फिर इस तरह से उंगलियों से दबा लें जिससे कि हमारा मिश्रण चारों तरफ पूरी उसमें पराठे में फैल जाए। अब हम इसको बेल लेते हैं।
हल्के हाथ से आराम आराम से इसको बेलना है, फिर हम आटे में लपेट लेते हैं। हमारा पराठा बेल चुका है, अब इसको हम तवे पे डाल देते हैं आराम से सेकने के लिए। बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही हम थोड़ा सा डोल लेते हैं और दूसरे पराठे के लिए तैयारी करते हैं। हम अपने पराठे को पलट देते हैं दूसरी तरफ से। हमें छिट्टी थोड़ी सी हल्की सी छिट्टी लगने तक सेकना है। अब इस पे हम ऑयल लगा देते हैं। फिर इसको हम पलट देते हैं। इधर भी हम ऑयल लगा देते हैं। हमने अपना पराठा पलट दिया और हमारा पराठा सिक चुका है। हमारे मेथी पनीर के पराठे खाने के लिए तैयार हैं। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।